साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल टू में विकलांगों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं वो अंग्रेजी विषय में कितनी है, अर्थात इंग्लिश सब्जेक्ट में लेवल टू में इंग्लिश के जो टीचर्स हैं बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं, वो भी दिव्यांग, अर्थात विकलांगों के लिए कुल आरक्षित पद कितने हैं अंग्रेजी विषय में लेवल टू में, है ना, थर्ड ग्रेड टीचर में। तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम इसमें लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने टोटल पोस्टों में से कितनी पोस्ट जो है दिव्यांगों के लिए रिजर्व है उसकी बात की थी, लेकिन हमने सब्जेक्ट की कोई बात नहीं की थी कि सब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है जब, तो दिव्यांगों को कितनी रहेगी उसकी बात नहीं की थी। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। अंग्रेजी से कोई लेवल टू का एग्जाम देगा फिर वो टीचर बनेगा अंग्रेजी विषय का, जिसने इंग्लिश से जो है बीए प्लस बीएड कर रखी है वही इंग्लिश का टीचर बनेगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। अब ऐसे कितने दिव्यांग लोग हैं जो जिनके लिए अंग्रेजी में रिजर्व सीटें हैं या वो इंग्लिश के टीचर बनने वाले हैं दिव्यांग होते हुए भी, तो हम सब कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं कि कुल लेवल टू की सीटें हैं वो 27,000 सीटें हैं वो लेवल टू में आई हैं। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही है ना, इंग्लिश में आज ज़्यादा है, गणित की अलग है, हिंदी की अलग है, संस्कृत जो भी है अलग अलग है। फिलहाल हम अंग्रेजी की बात करते हैं कि अंग्रेजी में टोटल सीटें पहले कितनी है, पहले वो बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अंग्रेजी विषय में 8,782 सीटें हैं 27,000 में से अंग्रेजी विषय की लेवल टू में, ठीक है ना। अगर हम 782 को अगर हम निकालें 4% के कैटेगरी के हिसाब से, तो टोटल जो होते हैं 8,782 में 3,051 के लगभग समथिंग जो है पोस्टें निकलती है 4%, यानी 351 टोटल सीटें हैं 8,782 में जो विकलांगों के लिए रिजर्व रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब 351 जो है चार भागों में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, एक भाग चार भाग हो जाएंगे। अगर इसका चार भाग हम करें 351 का, तो 87 सीटें आती है। कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब है कि अगर पीएच कैटेगरी की अगर हम बात करें, दिव्यांग कैटेगरी जो है एलडी कैटेगरी, यानी चार कैटेगरियां बनी हुई है, तो प्रत्येक कैटेगरी की 87 सीटें 87 सीटें विकलांगों के लिए रिजर्व है L2 में अंग्रेजी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। यदि आप दिव्यांग है किसी भी कैटेगरी से है, कैटेगरी का मतलब SC ST OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं LDH जो हमारे 4% कैटेगरी होती है, चार तरह की कैटेगरी होती है दिव्यांगों की, उनकी बात कर रहा हूँ। आप 4% में से आप किसी भी कैटेगरी में हैं और आप दिव्यांग है और आप अंग्रेजी से कॉम्पिटिशन देना चाहते हैं, अंग्रेजी का टीचर बनना चाहते हैं L2 का, ठीक है ना, तो आपकी जो सीटें हैं वो 87 सीटें हैं, ठीक है ना। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, LD से हो, MD से हो, BL से हो, LV से हो, BL के लिए BL LV जो आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए 87 सीटें हैं, है ना, LD के लिए 87 सीटें हैं, HI के लिए 87 सीटें और MD के 87 सीटें हैं, यानी प्रत्येक कैटेगरी को 87 कैटेगरी रिजर्व है सीटें कैटेगरी के। टोटल दिव्यांगों की 351 सीटें हैं 8,782 में अंग्रेजी विषय के, ठीक है ना। तो आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी 87 सीटें आपके लिए हैं। अब कॉम्पिटिशन कितना होता है आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी बस, ठीक है ना। अगले सब्जेक्ट की अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना साथियों।